दर्शकों, विशेष में आज हम जानेंगे मंगल दोष के बारे में। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे स्त्री भर्तुं विनाशम च भर्ता च स्त्री विनाशनम। दर्शकों, यदि किसी भी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम स्थान में, चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में या फिर अष्टम स्थान में या फिर द्वादश स्थान में होता है तो वह कुंडली मांगलिक कही जाती है। यह जानकारी ज्यादातर लोगों को होगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं, तो इन स्थानों पर होने पर ही जन्म कुंडली को मांगलिक क्यों कहा जाता है? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं, यदि मंगल प्रथम स्थान में होता है, प्रथम भाव में होता है, तो उसका क्या असर होता है? यदि किसी भी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव में या लग्न स्थान में होता है तो वह मंगल सप्तम स्थान को, चतुर्थ स्थान को और अष्टम स्थान को प्रभावित करता है। लग्न स्थान में मंगल होने से जातक अधिक उत्तेजना का अनुभव करने वाला, आक्रामक और क्रूर बन जाता है। लग्न से सप्तम स्थान प्रभावित होने की वजह से मंगल ऐसे जातक को अति कामुक और आवेगी बना देता है। यदि ऐसे जातक का जीवन साथी इस गुण या अवगुण को सहन करने में समर्थ नहीं होता तो उनके विवाह जीवन में विष घुल जाता है। दर्शकों, इसी वजह से लग्न स्थान में मंगल होने से कुंडली को मांगलिक कहा जाता है और ऐसी कुंडली के लिए मांगलिक कुंडली के साथ विवाह करना ही कहा गया है। आइए अब जानते हैं चतुर्थ स्थान में मंगल होने का प्रभाव। दर्शकों, जब भी जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में होता है तब वह कुंडली मांगलिक कही जाती है। यदि जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में होता है तो वह मंगल सप्तम स्थान, दशम स्थान और 11वें स्थान को प्रभावित करता है। यानी कि चतुर्थ स्थान में मंगल जातक के लग्न जीवन, जातक के करियर और जातक को मिलने वाले आर्थिक लाभ को प्रभावित करता है। यदि मंगल कुंडली में चतुर्थ स्थान में होता है तो वह मंगल दिशा बल से हीन हो जाता है। दर्शकों, ग्रहों के कई प्रकार के बल होते हैं, उसमें से एक बल होता है दिशा बल। सभी ग्रह अलग अलग दिशाओं में बलवान होते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल चतुर्थ स्थान में होता है ऐसे जातक का बहुत ही जल्द विवाह हो जाता है, किंतु चतुर्थ स्थान में मंगल होने की वजह से यदि ऐसे जातक के जीवन साथी की कुंडली मांगलिक नहीं होती तो विवाह के बाद लग्न जीवन में कड़वाहट शुरू हो जाती है। ऐसे जातक के जीवन में आर्थिक मामलों में निराशाजनक घटनाएं बनती है। जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर उनका वाद विवाद बना रहता है। दर्शकों, इसी तरह यदि जन्म कुंडली में मंगल सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में भी होता है तो किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से लग्न जीवन को प्रभावित करता है। इसीलिए इन स्थानों पर मंगल होने से जन्म कुंडली को मांगलिक कहा जाता है। आइए अब मंत्र विभाग की ओर आगे बढ़ते हैं।